हेलो गाइस, नौमी भाई आपकी खिदमत में हाजिर। आज की जो हमारी शार्ट मूवी के हवाले से हम बात करते हैं, आज की जो मूवी है शार्ट, उसमें जनाब लाइफ पार्टनर के ऊपर हम बात कर रहे हैं। और हमारा इस्लाम जो है वो भी इस बात की इजाज़त देता है कि शादी से पहले अगर बेटा और बेटी एक दूसरे को जान पहचानते हैं तो अच्छी बात है, उनको टाइम देना चाहिए ताकि उन्होंने पूरी लाइफ एक्सपेंड करना होती है तो वो एक दूसरे के मजाज को ज़रूरी समझ सकें। तो इसी सिलसिले में हम बाप से बात कर रहे हैं कि ये जनाब उर्मिला और ये रोशी, ये दोनों एक दूसरे से बात करते हुए, और इनके पेरेंट्स ने दोनों को भिजवाया है और ये जनाब एक दूसरे से मुलाकात करने के लिए, क्योंकि ये अपने हिंदुइज्म के हवाले से और वो थोड़ा सा कंजेस्टेड सा है, और वो जो लड़की है वो थोड़ी मॉडर्न, और उसने अपने हाथ आगे बढ़ाया कि हाय, तो वो हाथ मिलाना चाहती है लेकिन जो रोशी है उसने हाथ जोड़ के खड़ा हुआ है। और ये जनाब दोनों एक दूसरे के साथ बातचीत करते हुए अब ये आर्डर कर रहे हैं कि क्या खाया जाए। तो जो लड़की है जनाब रोशी, तो उसको ये ज़रूरी वो बड़ा पसंद करती है कि बंदा जो है फर इंग्लिश बोलने वाला होना चाहिए और केयरिंग होना चाहिए, लविंग होना चाहिए, ये खूबी होनी चाहिए मेरे पार्टनर में, अब वो बता रही है रोशी को। और जैसे ही आर्डर लेने वाला बहरा उसके पास पहुंच गया तो उसने कहा जी लेडीज फर्स्ट, तो उसको बड़े चिढ़ आती है कि लेडीज नहीं होता, लेडीज फर्स्ट होता है। तो उसने कहा कोई बात नहीं, आप जैसे कहें, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। तो जनाब जैसे ही वो वहाँ से उठ खड़े होते हैं कि ये तो सरासर गलत बात है, हम लोग कैसे एक दूसरे का टाइम पर बात कर रहे हैं, वो जाने लगते हैं वहाँ से। तो जनाब उतनी देर में जो है खाना आ जाता है और वो फौरन से दोबारा बैठ जाते हैं, अब ये दोनों खाना खाते हुए और साथ साथ इंजॉय करते हुए। और जैसे ही वो उन्होंने खाना फिनिश किया और बेरा अपने बर्तन वगैरह समेटते हुए, तो उन्होंने जनाब एक दूसरे से बातचीत करते हुए, और अब ये इनकी जो टाई अप हो रहा है तो उसमें ये बात चल रही है कि आपको बच्चे कितने पसंद हैं, तो उसने कहा 3। अब रोशी जो है वो भी 3 का लफ्ज़ कह रहा है, उर्मिला भी 3 का कह रही है कि 2 जो हैं वो आपस में लड़ते लगड़ते रहते हैं, तीसरा हो तो उनमें सुलह करा देता है। अब दोनों एग्री तो कर लिया कि चलें जी आपको भी इसी तरीके की संस्कार लड़की मिल जाए जो कि आपके साथ खुश रह सके। उसने कहा आपको भी फर इंग्लिश बोलने वाला मिल जाए। ये दोनों जनाब आपस में बात करते हुए 2 महीने के बाद जब इनकी मुलाकात होती है तो इनकी शादी जो है वो अरेंज मैरिज हो रही है, और वो कह रहा है कि मेरी शादी चूँकि मेरे पेरेंट्स कर रहे हैं तो मैं भी खुश हूँ। उर्मिला ने ये कहा कि हाँ बिल्कुल, मैं भी खुश हूँ भाई, इसलिए कि शादी तो पेरेंट्स की मर्ज़ी से होनी चाहिए। अब ये दोनों एक दूसरे से जैसे ही टकराते हैं तो एक दूसरे का एहसास करते हुए वो रोना शुरू कर देती है कि मेरे वाला जो है वो तो, मेरा होने वाला हस्बैंड वो तो हाथ उठाता है, मारता पीटता है। तो वो उसको तसल्ली दे रहा है कि अच्छा आप उसके साथ शादी कैसे कर सकती। अब उसकी कोशिश है कि मैं इसको थोड़ा सा नॉर्मल करूँ, तो वो नॉर्मल करने के लिए जनाब उसको तसल्ली देते हुए और थोड़ी देर बाद खुद रोना शुरू हो जाता है। रोशी रो रहा है ज़ोर ज़ोर से कि देखो मेरे वली जो है वो जनाब इतनी बुरी है, इतनी बुरी है कि क्या बताऊँ आपको, मैं तो लुट गया। तो वो अब उसको जनाब तसल्ली देते हुए ये टिश्यू पकड़ा रही है कि आप अपनी आंखें साफ करें, ये गंगा जमुना को मत बहाओ। और ये उसको तसल्ली दे रही है और दोनों एक दूसरे को तसल्ली देते हुए जनाब ये टाई अप करते हैं कि क्यों ना हम दोनों एक दूसरे में इंटरेस्ट तो है, हमारे जो है वो एक दूसरे के साथ गपशप भी है, तो क्यों ना हम दोनों शादी कर लें। तो अब रोशी उसको कह रहा है कि उर्मिला लेडीज फर्स्ट। तब वो जनाब दोनों
एक दूसरे के साथ बातचीत करते हुए। तो ये जनाब स्टोरी थी आज की, आपको कैसी लगी, फीडबैक का रहेगा हमें इंतज़ार। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए जनाब, नौमी भाई को दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।